नमस्कार दोस्तों, आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। 23 मार्च को हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। पूर्वानुमान के अनुसार बारिश कब होगी, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र सिर्फ बारिश नहीं, उसके अलावा अपितु कई जानकारियां लोगों तक मुहैया कराता है। चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, जलवायु हो, तूफान हो, आंधी हो, सभी की सूचना देने का कार्य करता है मौसम विज्ञान केंद्र। पर ये सूचना आप तक पहुंचाते कैसे हैं, ये सूचना निकालते कैसे हैं, इनके लिए तकनीक कौन कौन सी उपयोग में लाई जाती है, आम जन सदैव ही जानना चाहता है। आज की इस हमारी खास परिचर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं श्री राधेश्याम शर्मा जी, निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से। आज की इस खास परिचर्चा में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में। आइए उनका स्वागत करते हैं और आगाज करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम का, हमारे इस खास परिचर्चा का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जन टीवी के समस्त श्रोताओं को विश्व मौसम दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हमेशा हर वर्ष 23 मार्च 1950 से लेकर आज तक विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, और हम सभी जानते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर हर वर्ष वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक थीम डिसाइड करती है। तो ये थीम क्या है और हर वर्ष इसे क्यों अलग अलग थीम दी जाती है, सबसे पहले तो हम वही आपसे सूचना जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, इस वर्ष मौसम दिवस के अवसर पर WMO के द्वारा जो थीम दी गई है वो है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। यानी कि आज की डेट में यदि देखें तो क्लाइमेट चेंज एक काफ़ी चैलेंजिंग इश्यू है, समस्या, और ये कोई रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल स्केल पर एक इश्यू है जी। और सभी जो कंट्रीज है या सभी जो साइंटिफिक कम्युनिटीज है वो ये प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का असर जो जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, खासकर जो डिजास्टेरियस वेदर इवेंट जी, तो उसके असर को कैसे कम किया जाए, कैसे पूर्वानुमान को क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उससे बचाव जो है वो किया जा सके। खासकर यदि राजस्थान के लिए यदि बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले 50 सालों में यदि हम तापमान की बात करें जी, तो ये देखा गया है कि पिछले जो 10-20 साल है वो इनमें तापमान में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा आप हीट वेव की फ्रिक्वेंसी देखें, इंटेंसिटी देखें, तो इनमें भी कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा बारिश की यदि बात करें तो बारिश का भी पैटर्न जो है वो राजस्थान में चेंज हुआ है। आप देखेंगे मौसम विभाग ने 3-4 साल पहले जो है वो नॉर्मल आंकड़े भी चेंज किए हैं। इसके अलावा मानसून का जो ऑनसेट और विड्रावल का जो पैटर्न है उसमें भी बदलाव किया है। तो आप देखेंगे कि जो एरिड रीजन है खासकर राजस्थान और आसपास के इलाके, इनमें ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से बारिश की गतिविधियों बढ़ोतरी हो रही है जी। इसके अलावा जो एक्सट्रीम जो रेनफॉल एक्टिविटी है यानी जो भारी बारिश जो की जो संख्या है या जो फ्रिक्वेंसी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं रेनफॉल पर भी बढ़ते हुए तापमान का असर है। तापमान बढ़ने से जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, हीट वेव जो है या वार्म नाइट कंडीशन है, उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा खाली बारिश ही नहीं बल्कि जो आपदाजनक मौसम है जी, चाहे वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है, लाइटनिंग से इसके अलावा जो तूफान है, तो इनकी संख्या में और इनकी तीव्रता में बढ़ोतरी हो रही है। और जो साइंटिफिक स्टडीज है उसके हिसाब से ये है कि जो जो बढ़ता हुआ तापमान है कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो एयर का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, और एज ए रिजल्ट जो वेदर है वो जो है वो भी चेंज हो रहा है। सर, आपने बताया जिस तरह से कि इस बार जो थीम हो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट परिवर्तन है, पर्यावरण परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है और उसका इम्पैक्ट विभिन्न प्रदेशों पर, देशों पर पड़ रहा है, तो इन सारे क्लाइमेट परिवर्तन को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल होता है और उनका बेसिकली कार्य क्या होता है इस परिवर्तन के लिए? देखिए, बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर्स बढ़ रहे हैं और उस वेदर का जो इम्पैक्ट है वो लगभग हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहा है जी। और
आने वाले समय में चूंकि ये विभिन्न मॉडल्स भी ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, विभिन्न इसी प्रकार भी आगे कंटिन्यू रहेगा, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में जो मौसम संगठन्स हैं, जो मौसम के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी खासकर जो एटमॉस्फेरिक साइंस में काम करते हैं, जी उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग फील्ड है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का टाइमली प्रडिक्शन हो, प्रोडक्शन हो प्रॉपर जाए। उसका जी फोरकास्ट हो, ताकि जो डिजास्टर अथॉरिटीज है, मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज है, वो समय रहते उस पर एक्शन ले सके और जो उस डिजास्टेरियस वेदर इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो सके। तो मौसम एजेंसीज और जो एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो है इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से उपयोग करते हुए, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जो फोरकास्ट का जो एक्यूरेसी है वो उसमें बढ़ोतरी करने का प्रयास है। जी और दूसरा जो है वो जो लीड टाइम है उसको भी यदि समय रहते यदि लीड टाइम को बढ़ाया जा सके पूर्वानुमान के, जी तो इससे भी प्रॉपर मैनेजमेंट करने में फायदा होता सर, जैसे कि आपने बात की तकनीक की, है। जी तो अगर हम बात करें 3-4-5 दशकों से लगातार मौसम विज्ञान केंद्र समय समय पर इस तरह के पूर्वानुमान करता रहता है, तकनीकों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य बहुत बड़ा है, वो प्रमुख कौन सी तकनीक है जो पहले भी यूज हुआ करती थी और आज भी यूज हो रही है, और ऐसी क्या नई नई तकनीक मौसम विज्ञान केंद्र यूज कर रहा है विश्व पटल पर या राष्ट्र पटल पर, या हम राजस्थान की बात करें तो वो तकनीक प्रमुख कौन सी है, क्योंकि एक आम आदमी के मन में सदैव ये प्रश्न आता है कि किस तरह पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। एक लेमेन की अगर बात करें या हम पूछे कि किस तरह वो तकनीक कार्य करती है, उसके बारे में सर जरा तफसील से बताएं। देखिए, आज साइंस और टेक्निक का जमाना है और नो डाउट मौसम विज्ञान के क्षेत्र में पिछले जो एक दशक में जो तकनीक का विकास हुआ है, राजस्थान इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्केल पे मौसम विज्ञान और एटमॉस्फेरिक के फील्ड में बहुत लेटेस्ट टेक्निक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उपयोग हुआ है। जी और इसी का नतीजा है कि अब जो पूर्वानुमान आते हैं वो पहले के दशक के तुलना में काफी एक्यूरेट है। आपने जी देखा होगा जी एक्यूरेसी में भी बढ़ोतरी हुई है। और तकनीक की यदि बात करें तो देखिए, सबसे जो जो मेन कॉन्सेप्ट है मौसम पूर्वानुमान का, तो जो वेदर फोरकास्टिंग है बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। जी और मैं यदि सिंपल भाषा में कहूँ तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब है कि यदि हमें किसी स्थान का यदि मौसम पूर्वानुमान करना है या हम देखना चाहें कि जयपुर में 5 दिन बाद जो है वो मौसम क्या कैसा मौसम रहेगा, रहेगा। तो जी ये जानने के लिए आज का जो प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो कैसी है ये जानना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशनल टेक्निक में भी बढ़ोतरी हुई बढ़ोतरी है, हुई है। ऑब्जर्वेशनल जो एस्पेक्ट्स है हमारे उसमें भी सुधार जरूरी है। इसके अलावा जो फोरकास्टिंग जो टेक्नोलॉजीज है, चाहे हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन के मॉडल्स हैं, जी उनमें भी निरंतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से विकास हुआ है। अब यदि मैं ऑब्जर्वेशनल टेक्निक की बात टेक्निक्स। करूं जी तो आप देखिए कि हमारे मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर में 2012 में एक डॉपलर वेदर रडार स्थापित हुआ था ओके और ये इतना बेहतर एडवांस टेक्निक से युक्त रडार है कि यहाँ हम जयपुर में हमारे ऑफिस में बैठे बैठे राजस्थान का लगभग 500 किलोमीटर डायामीटर, यानी कि करीब करीब 80% जो एरिया है राजस्थान का वो हम जी यहाँ से रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। अचानक से यदि कोई जो थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है या कोई मेघ गर्जन या आंधी का जैसा कोई सिस्टम बनता है तो तुरंत रडार के कैप्चर में आता है और बनने के बाद ये सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करता है, कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, कौन कौन से ऐसे एरिया है जिनमें इसका असर होगा तो जी कितना असर होगा, जी तो बहुत बेहतरीन तरीके से रडार की हेल्प से हम उस सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। और जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट और जो पूर्वानुमान आपने देखे होंगे जारी जी होते जी रहते हैं जी समय जी समय पे, तो रडार की हेल्प से बहुत बेहतर तरीके से मॉनिटर और फोरकास्ट होता है। सर, पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो अनेक विभागों की हम बात कर सकते हैं। एक मौसम विज्ञान केंद्र में लगभग लगभग कई विज्ञान केंद्र होते हैं छोटे छोटे, जी सम्मिलित रूप से मिलकर आपकी पूरी टीम मिलकर वो पूर्वानुमान लोगों तक पहुंचाती है। आपकी टीम का कितना बड़ा रोल रहता है, अलग अलग विभाग कौन से हैं जिनके जरिए समराइजेशन करके हम लोगों तक सारी सूचनाएं पहुंचाते हैं, उन विभागों के बारे में से बताएं। देखिए, आम तौर पर आम जन जो है वो मौसम पूर्वानुमान जो मिलता है मौसम विभाग से वो समझते हैं कि खाली मौसम पूर्वानुमान का ही जी काम है, जी
तो बेसिकली मौसम पूर्वानुमान करने के लिए एक बहुत बड़ा एक टीम का बिल्कुल रोल होता है। एक अलग अलग जो टीम है वो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले निभाती करते है हैं, खुद का निभाते बिल्कुल। हैं। खासकर मैं कहूँ राजस्थान में हमारे 10 फुल टाइम ऑब्जर्वेटरीज हैं अच्छा अलग अलग स्थानों पे। वहाँ पर उनको मैंने जैसे बताया कि WMO गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक 3 घंटे से या निर्धारित समय से प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑब्जर्वेशन लेना होता है। इसके अलावा कुछ पार्ट टाइम ऑब्जर्वेटरीज काम कर रही है, जी वो दिन में 1 या 2 ऑब्जर्वेशन देते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेशन पे मैंने जो बताया अपर एयर ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो एक पूरा टीम वर्क है, ऑब्जर्वेशन के लिए अलग टीम काम करती है। जी इसके अलावा जो रडार जो हमारी टेक्निक है इसमें भी ड्यूटी ऑफिसर्स 24 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल तो रडार से भी हम जो नौकास्टिंग जो होती इंफॉर्मेशन। है शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है उसके लिए हमारी एक अलग टीम रहती है। इसके अलावा जैसे मानसून है तो बारिश की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास में रेन गेज नेटवर्क है। तो जी वो सभी स्टेशंस का टाइमली रेन का डाटा मिलना और उसके आधार पे मानसून की एक्टिविटी को एनालाइज करना कि कौन से क्षेत्र में मानसून ज़्यादा एक्टिव है या कहाँ पे रेन में कमी आ रही है। तो रेन मॉनिटरिंग के लिए हमारा एक अलग सेक्शन है। इसके अलावा खासकर जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे, एयरपोर्ट पर भी मैं आपको बता दूं कि जो मौसम सर्विसेज है वो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा दी जाती है। इसमें खासकर हमारा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जी उदयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके अलावा कोटा और किशनगढ़ एयरपोर्ट है। यहाँ पर भी जो एविएशन के लिए जो मेट्रोलॉजिकल जी बिल्कुल सर्विसेज है वो मौसम विभाग के द्वारा दी जाती है। और इसमें भी 24 घंटे राउंड द क्लॉक सर्विसेज है जो मौसम केंद्र जयपुर की ओर से दी जाती है। इसमें भी हमारे रडार का काफी मेजर रोल है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग के लिए। और जो एविएशन की जो सेफ्टी है वेदर के वो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट से है। वो जो है वो एंश्योर करने के लिए मौसम विभाग जो है वो काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है। आपने सर एक तो मैं कुल मिला के कहूँगा कि फोरकास्टिंग के पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगी टीम हुई लगती है। है बिल्कुल। सभी जो सेक्शंस हैं वो अपना अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बखूबी निभाते हैं और सभी डाटा का प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा मौसम केंद्र जयपुर के साथ साथ जो हमारे दूसरे जो सेंटर्स हैं, जी क्योंकि वेदर जो है वो एक लार्ज स्केल फिनोमिना है, बिल्कुल तो जो अदर जो सेंटर्स हैं हमारे जो दूसरे स्टेट में हैं, जो पंजाब हरियाणा में हैं या जो दिल्ली हमारे मुख्यालय में जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनके साथ हमारा डेली परिचर्चा होती है, जी डेली डिस्कशन होता है कि आज यदि वेदर की एटमोस्फेरिक कंडीशन ये है तो उसके आधार पे क्या आने वाले टाइम में फोरकास्ट एक्सपेक्टेड है। तो ये पूरा एक टीम वर्क है और इसके आधार पे ही जो डेली सर्विसेज है या फोरकास्ट है वो जारी किया। विभाग के द्वारा मौसम विभाग के द्वारा समय समय पर कुछ चेतावनियां निकालते रहते हैं, चेतावनियां जाहिर करते रहते हैं कि आपको रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है, बारिश के लिए इस तरह का अलर्ट है। ये रेड ऑरेंज और ग्रीन इस तरह के जो कलर्स कॉम्बिनेशन से कलर कोड की हम बात करें, वो किस तरह एक मौसम विज्ञान केंद्र निर्धारित करता है और उसका मायने क्या होता है? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। मौसम विभाग के द्वारा सामान्यतया 3 कलर में वार्निंग जारी की जाती जी है। तीन में जो सबसे जो लोवेस्ट लेवल का जो वार्निंग है वो येलो कलर में हम देते जी हैं। येलो कलर का मतलब है कि कोई आपदा जनित मौसम बनने की संभावना है लेकिन उसका जो असर है वो नॉर्मल होने के चांसेस है, जी जी बहुत ज्यादा उसमें उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। जी जस्ट ये है कि पब्लिक के लिए आप मतलब ये है कि अपडेटेड रहें, है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बट बिल्कुल ओनली आपको है कि ऐसा डिजास्टरियस वेदर हो सकता है लेकिन जी इम्पैक्ट उसका जो है लेवल 1 है। बन ओके इसके अलावा यदि उस सिस्टम की जो इम्पैक्ट है यदि
एक सिग्निफिकेंट लेवल तक होने के चांसेस होते हैं, हम्म, तो उसका जो सेकेंड लेवल ऑफ वार्निंग है वो हम ऑरेंज वार्निंग देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपको ऑरेंज वार्निंग किसी वेदर के लिए मिलता है, चाहे वो थंडर स्टॉर्म के लिए हो, समटाइम्स हेल स्टॉर्म हो सकता है, जी हीट वेव भी यदि मान लीजिए सीवियर हीट वेव हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में डिजास्टेरियस वेदर का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो जी पब्लिक को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपडेट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा समटाइम्स यदि ज़रूरत होती है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ को भी अपने लेवल पे एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जी और जो सबसे टॉप लेवल का जो हमारा वार्निंग करता है वो रेड वार्निंग होती है। ओके तो रेड वार्निंग का मतलब है कि जो भी वेदर एक्टिविटी के लिए हमने वार्निंग दिया है उसका जो असर है वो बड़े स्तर पर हो सकता है। यानी जी जैसे भारी बारिश में यदि रेड अलर्ट दिया तो इसका मतलब आप समझिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन एक्सपेक्टेड, यानी कि जी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है विद इन अ जी डे। जी जी या हीट वेव में भी समटाइम्स हमें एक्सट्रीमली जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन सीवियर बनती है, यानी कि तापमान जो है वो औसत से बहुत ज़्यादा यदि जा रहे हैं, तो ऐसे में उस वेदर का असर जो है वो आम जन पे, पब्लिक पर, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइव स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर सेक्टर में उस वेदर का ज़्यादा असर हो सकता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए बेसिकली रेड वार्निंग देते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को भी अपनी ओर से प्रॉपरली एक्शन लेना पड़ता है कि जी उस इवेंट से या उस डिजास्टेरियस वेदर से कैसे नुकसान को कम किया जा सके। जी, सर, इसके अलावा यदि कोई वार्निंग नहीं हो तो हमारा ग्रीन कलर होता है, यानी कि कोई किसी तरह का वार्निंग या एक्सपेक्टेड ग्रीन सिग्नल फॉर ऑल, यू कैन गो एनीवेयर। एग्जैक्टली। एक जहन में सवाल आता है और हमेशा हम पेपर्स में भी पढ़ते रहते हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ अलग अलग तरह के नॉमनक्लेचर या नामकरण भी शायद वो करते हैं इस तरह का, अगर उसमें आप जरा से इंफॉर्मेशन देना चाहें कि जिसे कभी कभी हम पेपर्स में पढ़ते रहते हैं जल्दी साइक्लोन ही पर। कि साइक्लोन पर कि जी 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 इस तरह का साइक्लोन है, ये इसका नाम कैटरीना जी है जी या इस तरह का कुछ और नाम है, ये किस तरह डिफाइन किए जाते हैं सर? आपने देखा होगा कि साइक्लोन जो भी बनता है जी उसका कोई ना कोई एक नाम निर्धारित होता है। बिल्कुल और ये जो नामकरण है खासकर साइक्लोन का, ये एक WMO की कमेटी होती है, विश्व ओके मौसम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और पहले से ही आगामी 5 सालों में जो उस रीजन स्पेसिफिक में जो साइक्लोन आएंगे उनके नाम जो है वो पहले से ही तय हो जाते हैं, डिफाइंड ऑलरेडी। डिफाइन हो जाते हैं। इंडियन रीजन की यदि बात करें तो इंडियन ओशियन से लगने वाले जो कंट्रीज हैं, जी जैसे पाकिस्तान है, जैसे इंडिया है, इसके अलावा बांग्लादेश है, जी जी तो ये जो नियर बाई जो कंट्रीज है इंडियन ओशियन से लगने वाली जो भी कंट्रीज है, श्रीलंका है, इन सभी कंट्रीज से पहले से ही नाम प्रपोज कर लेते हैं, अच्छा इनवाइट करते हैं। जी जी और WMO में इसकी एक कमेटी बैठती है बकायदा, जी हर जी कंट्रीज से जो नेम ऑफर्ड किए जाते हैं, जो प्रपोज किए जाते हैं, बेसिकली इन पर डिस्कशन होता है और उस कमेटी के द्वारा इस ये नामों का सिलेक्शन पहले से हो जाता है। अच्छा और अल्टरनेट वे में हर एक देश के द्वारा दिए गए जो नाम है वो अल्टरनेट वे में उपयोग में आते रहते हैं। जी तो अब जो अगला कभी भी इंडियन ओशियन में साइक्लोन बनेगा अच्छा उसका नाम पहले से तय होता है अच्छा और उसी लिस्ट में से अगला नाम दिया जाता है। और जी नाम देने का जो जो मतलब मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पब्लिक जो है, क्योंकि देखिए साइक्लोन एक बहुत डिजास्टरियस वेदर है, बहुत बिल्कुल मीन्स लार्ज स्केल डैमेज कर सकता है, बिल्कुल तो पब्लिक को उस साइक्लोन के असर से मतलब किस तरह से उसको बचाया समय से जाए बचाया सर, जा सके, बिल्कुल या पब्लिक को खुद को अपने लेवल पे जो अवेयरनेस रखनी है, तो इस इतने मतलब डिजास्टरियस वेदर को या साइक्लोन को एक नाम से पहचाना जाए ताकि क्या है कि लोगों को इजीली अंडरस्टैंड इजी हो, अंडरस्टैंड हो जाए। मतलब कि एक जी नाम जो है मतलब क्या है कि यूनिक हो। हाँ, टू मेक इट डिफिशिएंट। हाँ, तो हर साइक्लोन का इम्पैक्ट जो है वो अलग होता है, जी उसकी जी इंटेंसिटी अलग होती है, अलग अलग क्षेत्र में लैंडफॉल होता है, तो हर साइक्लोन का एक यूनिक नाम रखा जाता है। ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है अच्छा और इसी के आधार पे जो है वो नामकरण। जी सर, आप समय समय पर जानकारी निकालते हैं, लेकिन क्या कोई कृषक भाई या कोई ग्रुप अगर ऐसा हो जो चाहे कि वो खुद मौसम विभाग की और इनिशिएट करके इंफॉर्मेशन निकालना चाहे, उन लोगों के लिए क्या है, और आप क्या उन कृषक भाई के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी सर्कुलेट करते हैं सर? देखिए हमारे ऑफिस का एक महत्वपूर्ण अनुभाग है कृषि मौसम सलाह अनुभाग, जी और इस जो सेक्शन का काम है
वो विशेष रूप से आगामी एक सप्ताह में जो मौसम की जो कंडीशन होने वाली है उसके आधार पर एक कृषि मौसम सलाह जारी की। ये सप्ताह में 2 दिन जारी होती है, प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को। और जो खास जो इस जो सेवा का जो खास जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अलग अलग क्षेत्र के किसान भाई अपनी फसल में क्या मतलब उसमें मेजर्स लें, क्या मतलब उनको कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उस मौसम का उस पर असर कम हो, नुकसान कम से कम हो। तो इसके लिए जो विभिन्न कृषि विभाग, विभिन्न कृषि इकाइयां जो है, जो एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स है, आप देखेंगे कि कई कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, तो ऐसे कृषि इकाइयों से सलाह जो है वो मिलकर डिसाइड की जाती है। और ये मौसम विभाग और कृषि इकाइयों का मिलकर के एक प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा प्रति सप्ताह में 2 बार जो है वो कृषि मौसम सेवाएं दी जाती है। और आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, इसके अलावा जो कृषि यूनिट्स हैं वहां से भी आप अवेलेबल है, उस पर भी ले सकते हैं। और दूसरा जो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़ने के लिए आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, आप चाहें तो ट्विटर पे आप जा सकते हैं, @IMDJaipur पे जा सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है, आजकल हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मैनेज कर रखे हैं। इसके अलावा ईमेल से भी हम कई ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विस दे रहे हैं। और आजकल पिछले 2 सालों से आपने देखा होगा कि एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल भी एक रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसमें भी कोई तात्कालिक कोई मैसेज देना हो या कोई कम टाइम में यदि मान लीजिए इंफॉर्मेशन यदि देनी हो तो कैप कॉमन अलर्ट सिस्टम है, कैप सचेत के नाम से, तो आप लोग अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग से बचने के लिए आप दामिनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम ऐप जो रिसेंटली 15 जनवरी को मौसम विभाग ने लॉन्च किया है, तो आप लोग कृपया करके मौसम ऐप को भी मोबाइल में अपने डाउनलोड करें। और लोकेशन स्पेसिफिक आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान, इसके अलावा सैटेलाइट रडार, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इस ऐप पे भी आपको अवेलेबल है। तो अभी जो है वो आप किसी भी मोड से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मीडिया के माध्यम से तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता ही है, तो बहुत सारे मोड हैं, आप जो मोड है आप चॉइस के अनुसार ले आप ले सकते हैं। सकते। सर, अंतिम प्रश्न हम ये करना चाहते हैं कि कुछ नए स्टूडेंट्स जो हैं, नए छात्र जो हैं, या यूं कहें कि कुछ और भी जन जो मौसम विज्ञान केंद्र से जुड़ना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स अपना कैरियर उसमें बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहें? स्टूडेंट्स के लिए यदि मैं बात करूं तो मौसम विभाग में अपना यदि करियर बनाना चाहते हैं या एटमॉस्फेरिक साइंस में अपना करियर देखना चाहते हैं, जी तो नंबर 1 साइंस बैकग्राउंड से जी आपका ग्रेजुएशन और पीजी होना चाहिए एटलीस्ट। और रिसर्च वर्क भी जो है वो एटमॉस्फेरिक साइंस, मेटलोजी, आजकल मेटलोजी सब्जेक्ट में भी एमएससी होती है, कई जी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है। जी इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि फोरकास्ट के साथ साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का भी रोल प्ले होता है, जी तो इंस्ट्रूमेंट के एक्सपर्ट्स भी हमारे डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में काम करते हैं। जैसे जी रडार को रन करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपर्ट चाहिए, इसके बिल्कुल अलावा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, सैटेलाइट्स हैं, जी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, कंप्यूटर में डाटा कम्युनिकेशन कहें, बिल्कुल चाहे न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स कहें, सुपर कंप्यूटर्स पे आपको मॉडल्स को रन करने के लिए आपको कंप्यूटर का एक्सपर्टाइज चाहिए। तो मल्टीडिसिप्लिनरी सेक्शन से जी होते हुए भी आप IMD में या मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो खासकर जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो मेटलर्जी, एटमोस्फेरिक साइंस, इसके अलावा जो प्योर साइंस है, जी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और इसके अलावा हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में एक डिवीजन है जो नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर है, जी तो सिस्मोलॉजी में भी काफी लोग लोग जो है वो इसमें भी अपना करियर बनाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में भी ऑप्शन है, जी एग्रोमेटोलॉजिकल सर्विसेज जो हमारी दी जाती है, तो इसमें एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट है मेटोलॉजी के जी मतलब से, तो एग्रोमेट सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से भी जो है वो अपना करियर बना सकते हैं। और खास बात यह है कि हम खासकर जो आज जो मौसम दिवस है, जी इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स को मेटरोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमने आज हमारे ऑफिस में जो अलग अलग
जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं, उनको हमने खुला रखा है। जी स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन का भी एक प्रोग्राम आयोजित किया है। तो अलग अलग जो विभिन्न जो इंस्ट्रूमेंट्स उपयोग होते हैं, चाहे वो डॉपलर रडार है, चाहे हमारे बैरोमीटर है, चाहे हमारे थर्मोमीटर्स हैं, जी तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिक जानकारी दे सकते हैं और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर विजिट कर सकते हैं। जी सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम और शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी, कहें उपयोगी जानकारी, हमारे कृषक भाइयों के लिए दी, समाज के लिए दी। जाते जाते अगर कोई संदेश आप करना चाहें कृषक भाइयों के लिए, समाज के लिए, मौसम दिवस पर। सर एक सभी दर्शकों को मेरा जो संदेश है वो ये है कि इस बार का थीम भी यही है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट चेंज का असर हम अपने आसपास में देख रहे हैं और इससे निपटने के लिए मैं समझता हूँ कि हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपनी गतिविधियों को, हम अपनी दैनिक क्रियाकलापों को इस प्रकार से बदलें कि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। तो यदि हम ये स्टेप अपने लेवल पर उठाएंगे तो मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो कम करने में हम भी अपना एक योगदान दे सकेंगे। तो अपनी एक्टिविटीज को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएं, अपनी गतिविधियों को बदलाव करें जिसकी वजह से क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, और ऐसे कार्य ऐसे एक्टिविटीज करें जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में, हमारी परिचर्चा में हमारे खास मेहमान थे राधेश्याम शर्मा जी, निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर। इन्होंने कहा कि हम अपना अपना कर्तव्य निभाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें और जितनी हो कोशिश करें कि पर्यावरण को हम कम नुकसान पहुंचाएं। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार डॉक्टर फिरोज खान फिर हाजिर होगा एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय और मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।